मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उस लॉर्ड एटली साहब, तो एटली साहब का पूरा जब कार्यकाल खत्म हो गया तो वो 1960-65 में हिंदुस्तान आए और कलकत्ता में गवर्नर ने उनको अपने घर चाय पे बुलाया और गवर्नर ने पूछा कि अब तो आप कहीं रहे, आप खुल के बात कर सकते हैं हम लोग, आप ये बताइए कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का क्या योगदान था। तो कलकत्ता थोड़ा झेप के शर्मा गए और फिर उनसे पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या योगदान था, तो एटली साहब ने कहा कि नेग्लिजिबल। आजाद हिंद फौज अगर नहीं होती तो शायद हमको 1947 में आजादी नहीं मिलती। सर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए और अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए। मैं एक बात समझता हूं कि जो हमारे ये तीनों जांबाज थे, शहनवाज खान साहब, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन, इन सब की जो एक सबसे बड़ी चीज थी, इन्होंने मगरूर अंग्रेजों की आंखों पे आंखें डाल के कह दिया था कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है, गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। थैंक यू। तो ये जो तीनों महान कैरेक्टर्स हैं, इनको स्क्रीन तक लाने का जो जिम्मा है वो हमारे तीन बेहतरीन एक्टर्स ने उठाया है। मैं एक एक करके उन एक्टर्स को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले शाहनवाज खान साहब का जो किरदार अदा कर रहे हैं उनको मैं आवाज दूंगा, कुणाल कपूर। हाय कुणाल। गुरबख्श सिंह ढिल्लों के कैरेक्टर को पर्दे पर लाने के लिए जिम्मेदारी उठाई है अमित साध ने, मैं चाहूंगा वो स्टेज पे आए। और प्रेम सहगल का जो कैरेक्टर है उसको पर्दे पे जिएंगे मोहित मारवा। मेरे मीडिया के तमाम दोस्त यहां मौजूद हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो भी आपके सवाल हैं वो आप शुरू करें, क्रिस्प रखें, टू द पॉइंट रखें, बाकी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शाहनवाज खान साहब के ग्रैंडसन इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं, ये बेहद खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए, मैं चाहूंगा वो भी तशरीफ पिलाए। आदिल साहब, कि प्रेम सहगल जी के जो नाती हैं वो शाद अली हैं, मतलब अगर प्रेम सहगल नहीं होते और ये आईएनए नहीं होता तो शायद बंटी बल्ब भी ना बनती।